हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए वीडियो जो लेकर हम आए हैं आप लोगों के बीच। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रमुख देशों की संसद के नाम। कह रहा है कि मान लेते हैं कि आज भारत की संसद का नाम क्या है, ठीक है। उसी प्रकार कौन सा जापान की संसद का नाम है, उसी प्रकार आगे ये क्वेश्चन रहा है कि पाकिस्तान के संसद का नाम है। तो वो संसद की कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि किस देश को की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो यहाँ से देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा था प्रमुख देशों की संसद का नाम। तो आप संसद के नाम पढ़ने के पहले आप एक बार किसको पढ़ लेना है, एक ट्रिक को, इस ट्रिक को पढ़ लेना है। इस ट्रिक में ही इस सब संसद, इस सब सभी देशों के संसद के नाम जुड़ा हुआ है। तो प्लीज आप इस ट्रिक को देखिए। भाजपा सफर सरदार ने काशी दिया, क्या है ट्रिक भाई? तो भाजपा सफर सरदार ने काशी दिया। तो यहां से देख लीजिए, भाजपा, भाजपा में भा का अर्थ क्या होता है, भारत। और इसमें देखिए कह रहे कि सडाने, सडाने में स का पहला अक्षर क्या होता है, स। तो भारत की संसद का नाम क्या है, संसद। भारत के संसद का नाम क्या है, संसद। अब चलिए, इसमें ज का अर्थ क्या हो रहा है, जापान। और इसमें डा का अर्थ क्या हो रहा है, डाइट। कह रहा है कि जापान के संसद का नाम क्या है भाई, तो डाइट। अब चलिए, पा का अर्थ इसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान। और इसमें ने का अर्थ क्या होगा, नेशनल असेंबली। कह रहा कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है, तो नेशनल असेंबली। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए सफर में चलते हैं, सफर का स उठाते हैं, इसके बाद स से क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें काशी में क का उठाते हैं, तो का अर्थ क्या होता है, कांग्रेस। कहने का मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संसद का क्या नाम है, कांग्रेस। अब चलिए, इसमें फ बच रहा है, तो फ का में फ किस देश के उच्चारण से आता है, फ़ किस देश का उच्चारण है, तो फ्रांस का। अब फ्रांस किसका संबंधित है, ये स का ना, तो फ्रांस फ से स्टार्ट हो रहा है और स से क्या हो रहा है, सीनेट। तो फ्रांस देश की संसद का नाम क्या बोल रहे हैं, तो सीनेट, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या अंतिम वर्ड है, तो र से क्या होता है, रूस। र से क्या होता है, रूस। और रूस में क्या अंतिम वाक है, अंतिम वाक क्या है भाई, तो दिया। तो रूस का अर्थ र से स्टार्ट हो रहा है, रूस। र से रूस और दिया से क्या चीज, ड्यूमा। तो रूस के संसद का क्या नाम है, ड्यूमा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। भारत की संसद को संसद कहते हैं, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, और फ्रांस की संसद को नेसेट कहते हैं, और रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका क्वेश्चन ये बता रहा है। कह रहा है कि ग्रह जो है ना, ग्रह का किस कलर का कौन सा ग्रह है, उसके बारे में। और उसके साथ साथ क्या बताया है, नीला ग्रह। मान लेते हैं कि हम आज पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी ग्रह क्या होता है, कैसा होता है, नीला ग्रह होता है, नीला कलर का होता है। नीला क्यों कारण हो रहा है, कारण क्या है नीला होने का, तो जल के कारण क्या होता है, पृथ्वी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। माने कारण भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रह तो पढ़ेंगे ही, कौन कौन सा ग्रह है उसका, माने किस कारण से ये कौन सा कलर है उसका फुल। यहाँ से आपका ये क्या था, ट्रिक था, ट्रिक की वजह से, ट्रिक से हम लोग जानेंगे ये ग्रह का टोटल व्याख्या। तो चलते हैं, कह देखिए ट्रिक क्या कह रहा है कि हम है नीला। अरे भाई क्या होता है, पृथ्वी कह रहा है कि हम है नीला, पति है पीला और शुक्र बहन चमकीली है। कैसी ग्रह है, शुक्र चमकीली ग्रह है। अब चलिए, शनि कह रहा है कि शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। किस पे हरियाली है, अरुण पे क्या है भाई, अरुण ग्रह पे क्या है, हरियाली हरियाली है। तो चलिए, हम है नीला, तो हम कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी कह रहा है कि हम नीला है, इसका मतलब कि पृथ्वी नीला है, तो भाई नीला क्यों का कारण क्या है नीला होने का, तो जल के कारण पृथ्वी क्या है, नीला है। अब चलिए, पति है पीला, तो पति इसमें कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पति है, पति कैसा भाई है, पीला है।
पीला माने बृहस्पति ग्रह पीला क्यों है? तो SO2 के कारण। चलिए आगे, अब कौन सा बचा? और शुक्र वाहन चमकीली है, तो शुक्र ग्रह कैसी होती है? आप लोग एसपीटी वगैरह लूसेंट पे पढ़े होंगे कि शुक्र ग्रह कैसे दिखता है, चमकीली ग्रह है। भाई चमकीली ग्रह शुक्र ग्रह है तो चमकीली कैसे है, क्यों है? तो गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह होने के कारण ये क्या है, चमकीली है। अगला पढ़ेंगे, शनि है काला, तो यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है कि शनि है क्या भाई, काला। काला क्यों है सर? तो N2 के कारण। आगे चलेंगे, अब लाल है मंगल, तो लाल यहाँ पे मंगल, मंगल क्या है भाई, तो लाल है। क्यों लाल है भाई? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। अब चलिए, मंगल हो गया और अरुण पर हरियाली है। अरुण कैसी ग्रह है? तो हरा भरा ग्रह है, हरा है। तो यहाँ से अरुण हरा है, क्यों हरा है भाई? तो CH4 के कारण। CH4 किसको कहते हैं? तो मीथेन ग्रह, मीथेन जो होता है उसको CH4 कहते हैं। तो ये हम लोग सारा पढ़े किससे, किससे रिलेटेड था, ये ग्रह से था, ग्रह ग्रह की क्या चीज, वो किसके कारण कैसा कलर है। तो चलते हैं।